हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी मेटाबोलाइट्स एंटी कैंसर ड्रग्स की एक क्लास है नॉर्मल बॉडी सेल्स बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए डिवाइड होते हैं पर कैंसर में सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं सो कैंसर इज अ डिसीज ऑफ रैपिड एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी की सभी ड्रग्स एस फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं ये ड्रग्स सेल की सेल साइकिल के एस फेज पर एक्ट करती हैं और डीएनए की सिंथिस को रोकती हैं डीएनए की सिंथिस नहीं हो पाती जिससे डीएनए एन नहीं हो पाता तो इस तरह एंटीमेटोबोलाइट्स सेल डिवीजन के प्रोसेस को रोक देती हैं सो एंटीमेटोबोलाइट्स कंट्रोल रैपिड मल्टीपिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स मेटाबोलाइट्स के ऑफ़ एक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि हम ब्रीफ में डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझ लें। एट दिस पर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझाया हुआ है न किसी भी सेल का डिवीजन होने से पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है डीएनए के लिए सबसे पहले एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड्स में सेपरेट कर देता है ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स एक नए डीएनए को सिंथेसाइज़ करने के लिए टैंपलेट का, का काम करते हैं एक दूसरा एंजाइम डीएनए एन इस पेरन डीएनए स्ट्रैंड को रीड करता है और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को इस नए बन रहे स्ट्रैंड में जोड़ता जाता है नाउ डीएनए का हर न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट और एक बेस से बनता है एडेनिन, गुआनिन प्यूरिन बेसिस हैं थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन बेसिस हैं एडेनिन थाइमिन के साथ पैर करता है और गुआनिन साइटोसिन के uh, साथ पैर करता है तो किसी भी सेल का डिवीजन होने से पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो यहाँ ये रेप्लिकेटेड डीएनए दिखाए गए हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स नाउ दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स नाउ एंटी मेटाबोलाइट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री क्लासेस फोलेट एंटागोनिस्ट ये ड्रग्स प्यूरन्स और पिरेमिडीन्स की सिंथेसिस नहीं होने देती द ड्रग्स आर मैथोट्रिक्सट एंड पेमीट्रिक्सिट देन प्यूरिन एंटागोनिस्ट ये ड्रग्स प्यूरन्स की सिंथसिस नहीं होने देती द ड्रग्स आर सिक्स मकैप्टोप्यूरिन सिक्स थायोगुआनाइन एज अ थायोप्रीन एंड फ्लूडारेबिन देन पिरीमिडिन एंटागोनिस्ट द ड्रग्स आर फाइव फ्लोरोग्यूरास कैपेसिटाबीन साइटारेबीन नोन एज साइटोसिन रेबिनोसाइट अब हर क्लास की जो ड्रग्स हैं उनकी फार्माकोलॉजी तो स्टडी कर लेते हैं नाउ एंटी मेटोबोलाइट्स की फर्स्ट कैटेगरी है फोलेट एंटागोनिस्ट फर्स्ट ड्रग है मैथोट्रिक्सेट मैथोट्रिक्सेट फोलेट एंटागोनिस्ट है ये एक हाईली एफिकेशियस एंटी कैंसर ड्रग्स ड्रग है नाउ रिड्यूस्ड फोलेट कैरियर की मदद से मैथोट्रिक्सेट सेल के अंदर पहुंचता है सेल के अंदर एक एंजाइम फॉली पॉलीग्लूटामेट सिंथेस मैथोट्रिकसेट को और भी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म मैथोट्रिक्सेट पॉलीग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है अब जैसा कि हमें पता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डी शुगर फॉस्फेट प्यूर और प्यूरन्स या फिर पिरीमिडिन बेसिस से बने होते हैं और डीएनए एन तभी रेप्लीकेट होगा जब न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस होगा अब मेथोट्रिक उन एंजाइम्स को इनहेबिट कर देता है जो कि पिरीमिडिन और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करने के लिए जरूरी हैं अब अब इस रिएक्शन को देखो यहाँ पर डी नोवो पिमिडीन सिंथेसिस एक्सप्लेन करी हुई है नाउ एंजाइम थे थाइमिडाइलेट सिंथेस डीऑक्सी ऑक्सी यूरिडीन को डीऑक्सी ऑक्सी थाइमेडीन में कन्वर्ट करता है यहाँ पर डीऑक्सी ऑक्सी मोनोफॉस्फेट एक पिरीमिडिन न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है तो डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस के लिए थाइमिडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम बहुत ज़रूरी है ना इस एंजाइम के अलावा एक कोफैक्टर एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेक्ट्राहाइड्रोफोलेट भी इस रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है नाउ इस रिएक्शन के दौरान ये जो कोफैक्टर है ये डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद एक एंजाइम डाई रिडक्टेस डायहाइड्रोफोलिक एसिड को दोबारा से एन फाइव एन मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है यानी कि यह एंजाइम दोबारा से एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट को रिजनरेट करता है तो इस सिंथेसिस के दौरान थाइमीडाइलेट सिंथेस और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस ये दोनों एंजाइम्स ही बहुत जरूरी हैं अब मेथोट्रिकेट एक तरफ इस एंजाइम थाइमीडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से डीऑक्सी ऑक्सी मोनोफॉस्फेट यानी कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होता दूसरी तरफ ये एंजाइम डाइहाइड्रोफोलिट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ये कोफैक्टर रीजेनरेट रीजनरेट नहीं हो पाता तो ओवरऑल हमने यहाँ समझा कि मैथोट्रिक्सिट कैसे डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को रोक रहा है ना इसके अलावा डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस में भी टेट्राहड्रोफोलेट फोलेट एक को का, का काम करता है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट का रीजनरेशन ना होने की वजह से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स नेमली डी ऑक्सी एडनोसन और डी ऑक्सी ट्राईफॉस्फेट का भी सिंथेसिस नहीं होता तो इस तरह जो मेथोट्रिक है वो पिरामिडी न्यूक्लियोटाइड्स और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस को रोक रहा है तो इस तरह डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं हो पाता और कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन और प्रॉलीफरेशन रुक जाता है मेथोट्रिकसेट एक एस फेज स्पेसिफिक ड्रग है ये सेल साइकिल की एस फेज पर एक्ट कर रहा है क्योंकि ये डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है अब समझते हैं इंडिकेशंस ऑफ मैथोट्रिक्सेट मेथोट्रिक्सेट कोरियोकार्सिनोमा एक्यूट लुकीमिया नॉन हॉचकिन लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं इसके अलावा मेथोट्रिक्सेट को ब्रेस्ट कैंसर ब्लैडर कैंसर हेड एंड नेक कैंसर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा uh, की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है नाओ मेथोट्रिक्सेट एक बहुत ही इफेक्टिव इम्यूनो सप्रेसन भी है जिसको ऑटो uh, इम्यून जैसे कि रूमटाइड रिथराइटस सोरेसिस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है अब समझते हैं मेथोट्रिक्सेट uh, की टॉक्सिसिटीज़। नाओ मेथोट्रिक्सेट की Uh, जो मेजर टॉक्सिसिटी है वो है माइलियो सप्रेशन दैट इज बोन मारोसप्रेशन नाउ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की डेफिशिएंसी uh, की वजह से ये माइलियो सप्रेशन होता है नाउ लो डोजेज़ में मेथोट्रेक्सेट मेगलोब्लास्टिक अनिमिया प्रोड्यूस करता है और हाई डोजेज़ में पैनसाइटोपीनिया हो सकता है जिसमें आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है नाउ ल्यूकोवॉरन जो कि फॉलिनिक एसिड होता है यानी कि एन फाइव फॉरमाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड तो अगर फॉलिनिक एसिड को मेथोट्रिक्सेट के साथ दिया जाए तो मेथोट्रिक्सेट की जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है दूसरा आ, जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है म्यूकोसाइटिस जिसमें म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, में इन्फ्लेमेशन हो जाता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है अगर मुंह की म्यूकोसल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए तो उससे ओरल अल्सरेशन हो सकता है नाउ म्यूकोसाइटस और डायरिया मेथोट्रिक्सेट uh, के कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं जीआईटी में डेस्कॉमेशन यानी कि स्किन जो है वो पील हो सकती है जिसकी वजह से जीआईटी में ब्लीडिंग हो सकती है उसके अलावा फोलेट की डेफिशिएंसी से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ मैथोट्रैक्सेट हाँ नेक्स्ट फोलेट एंटागोनिस्ट है पेमीट्रैक्सेट पेमीट्रेक्सेट मैथोट्रेक्सेट का एक न्यू कंजेनर है यानी कि एक मैथोट्रेक्सेट uh, का एक डेरिवेटिव है मैथोट्रेक्सेट uh, की तरह पेमीट्रेक्सेट भी एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस और डाहाइड्रोफोलिट रिडक्टेस को इनहिबिट करता है जिससे कि पिरीमिडी न्यूक्लियोटाइड डी मोनोफॉस्फेट थाइमिडी का सिंथेसिस नहीं होता डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है और डीएनए एन नहीं कर पाता तो ये एक एस फेस स्पेसिफिक ड्रग है जो कि कैंसर सेल्स की मल्टीप्लीकेशन और प्रोलीफ्रेशन को रोक देती है थोट्रैक्सेट के कंपैरिजन में पेमीट्रैक्सेट से टेट्रोहाइड्रोफोलिक एसिड की डेफिशिएंसी कम होती है आप समझते हैं इंडिकेशंस पेमीट्रैक्सेट को मीसो एपीथिलियोमा और नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है देन टॉक्सिसिटी ऑफ पेमीट्रेक्सेट पेमीट्रैक्सेट के यूज से हाथों में और पाओ में पेनफुल ईचिंग यानी कि खराश हो सकती है उसके अलावा एरिथोमेटिक रैशेज़ हो सकते हैं लाल रंग के रैशेज़ हो सकते हैं जो कि हैंड्स और फीट पर दिखाई देते हैं मेथोट्रेक्सेट की तरह पेमीट्रैक्सेट से भी माइलियोसप्रेशन हो सकता है और इसी वजह से लो डोज फोलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व के यूज से ये माइल्योसप्रेशन कम हो जाता है पेमीट्रैक्सड भी म्यूको म्यूकोसिटस और डायरिया प्रोड्यूस करता है तो ये है फार्माकोलॉजी ऑफ पेमीट्रेक्सेट फोलेट एंटागोनिस्ट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी की एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट एडेनिन और गोअनिन प्यूरिन बेस होते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ सिक्स मकैप्टोप्यूरिन और सिक्स थाइगोनाइन बोथ दीज ड्रग्स आर हाईली इफेक्टिव एंटी कैंसर ड्रग्स दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक जैसा है ये दोनों ड्रग्स एडेनिन और गोआनन न्यूक्लियोटाइट की सिंथसिस को नहीं होने देती इसके अलावा ये ड्रग्स डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में खुद इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं खुद उसमें इंक्लूड हो जाती हैं जिससे आरएनए और डीएनए जो हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं बेकार हो जाते हैं तो पहले समझते हैं सिक्स मकैप्टोप्यूरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नौ एनजाइम एच जी पी आर टी सिक्स मकेप्टोप्यूरिन को एक्टिवेट करके थायो आई एम पी यानी कि थायो आइनोसन में कन्वर्ट कर देता है उसके बाद एंजाइम टीपीएमटी यानी कि एंजाइम थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफरेस थायो, थायो आईएमपी को मिथाइलेट करता है जिससे मिथाइल थायो आईएमपी बन जाता है ना ये जो मिथाइल थायो आईएमपी है ये एंजाइम अमीडो फॉसफोराइबोसल ट्रांसफरेस को इनहिबिट करता है जिससे डी नोवो प्यूरिन का जो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है और एडेनिन और गुआनिन का सिंथसिस नहीं होता तो इस तरह ये जो मिथाइल थो आइनोसिन मोनोफॉसफेट है ये एडेनिन और गुआनिन का प्यूरस का सिंथेसिस नहीं होने देते इसके अलावा थायो आई एम पी थायो एम पी और फिर थायो जी एम पी में कन्वर्ट हो जाता है थायो जी एम पी यानी कि थायो ग्वैनोसाइन मोनोफॉस्फेट अब इस थायो जी एम पी का फर्दर काइनेस एंजाइम फॉस्फोराइलेशन करते हैं जिससे ये थायो जी टी पी यानी कि थायो ग्वानोसाइन ट्राइफॉसफेट बन जाता है अब ये जो थायो जी टी पी है ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जी की जगह आर के स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट हो जाता है जिससे कि आर डिसफंक्शनल हो जाता है बेकार हो जाता है दूसरी ओर ये थायो जी इसका भी फॉस्फोराइलेशन होता है फर्दर इसका रिडक्शन होता है बाय द एंजाइम रिडक्टेस और जिससे थायोजीएम पी थायो, थायो डी जी में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि थायो डी ऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राईफॉसफेट अब थायो डी ऑक्सी ग्वानोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है दैट इज डी ऑक्सी ग्वानाइन ट्राईफॉस्फेट की जगह डी में इनकॉर्पोरेट हो जाता है जिससे कि डी जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है डी बेकार हो जाता है तो एक तरफ सिक्स म कैप्टोप्यूरिन प्यूरिन्स का सेंथोसिस नहीं होने दे रहा और दूसरी ओर ये आरएनए में इनकॉर्पोरेट होकर आरएनए को बेकार कर देता है दूसरी ओर ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट होकर डीएनए को नॉन फंक्शनल कर देता है सो दीज ड्रग्स दैट इज सिक्स मकैप्टूरिन एंड सिक्स थाइन ये ड्रग्स जो हैं ये एस फेज स्पेसिफिक ड्रग्स हैं यानी कि ये ड्रग्स डीएनए का सिंथेसिस नहीं होने देती डीएनए को फर्दर रेप्लिकेट नहीं होने देती जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं होता और कैंसर सेल प्रोलिफरेट और मल्टीप्लाई नहीं हो पाते इंडिकेशंस: सिक्स म कैप्टोप्यूरिन एंड सिक्स थायोग्वा आर इंडिकेटेड इन चाइल्डहुड एक्यूट लुकीमिया कोरियोकार्सिनोमा एंड सम सॉलिड ट्यूमर्स अब सिक्स uh, मकेप्टोप्यूरिन के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट uh, समझते हैं नाउ एंजाइम जेंथीन ऑक्सीडेस सिक्स मकैप्टोप्यूरिन को मेटाबोलाइज करता है वहीं पर एक ड्रग एलोप्यूरिनॉल जेंथीन ऑक्सीडेस एंजाइम को इनहिबिट करती है तो अगर सिक्स मकैप्टोप्यूरिन के साथ एलोप्यूरिनॉल को दिया जाए तो सिक्स मकेप्टोप्यूरिन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है सिक्स मै मकैप्टोप्यूरिन की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से सिक्स मकैप्टोप्यूरिन की टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है नाउ सिक्स थायोगुआनाइन इज नॉट मेटोबोलाइज बाय जेंथीन ऑक्सीडेज नाउ जेंथीन ऑक्सीडेज के अलावा टी पी एम टी कि थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफरेज भी सिक्स मकैप्टोप्यूरिन को मेटाबोलाइज करता है ये सिक्स मकैप्टोप्यूरिन का मिथाइलेशन करता है अब समझते हैं इन ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स ना पहला टॉक्सिक इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन ना सिक्स थायोग्वानाइन के कंपैरिजन में सिक्स मकैप्टोप्यूरिन से नॉजिया और वॉमिटिंग ज़्यादा होता है इसके अलावा रिवर्सिबल जॉन्डस भी सिक्स मकैप्टोप्यूरिन से ज़्यादा होता है हाइपर यूरिसीमिया दोनों ही ड्रग से होता है और टॉक्सिसिटी ऑफ सिक्स मकैप्टोप्यूरिन इनक्रीज़ विद कॉन्करेंट यूज़ ऑफ एलोप्यूरिनॉल सो दिस इज द फार्माकोलॉजी ऑफ सिक्स मकैप्टोप्यूरिन अब सिक्स मकैप्टोप्यूरिन से ही एक रिलेटेड ड्रग है अजाथायोप्रीन अजाथायोप्रीन सिक्स मकैप्टोप्यूरीन की प्रोड्रग है ना समझने वाली बात यह है कि अजाथायोप्रीन सेलेक्टिवली इम्यून सेल्स पर एक्ट करती है इम्यून सेल्स में डीएनए की सिंथेसिस को रोकती है इम्यून सेल्स की uh, में डीएनए एन रेप्लिकेशन को रोकती है सो so, इसी वजह से ये अजाथायोप्रीन जो है ये एक पोटेंट इम्यूनो है ये ऑटो इम्यून की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है जैसे कि अर्थराइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन uh, नाउ नेक्स्ट प्यूरिन एंटागोनिस्ट इज फ्लूडारबिन फ्लूडारबिन एक प्रोड्रग है सेल के अंदर फॉस्फोराइलेट होकर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी एक्टिव फॉर्म है फ्लूडारोबिन ट्राईफॉसफेट ना फ्लूडारोबिन ट्राईफॉस्फेट इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस नाउ सेंथिसिस नाफ्लूडा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ एंजाइम्स जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं उनके फंक्शन समझ लें तो पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड को रीड करता है और पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को न्यू डीएनए स्ट्रैंड में ऐड करता है देन एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डी ऑक्सी में कन्वर्ट करता है जैसे कि ए एम पी दैट इज एडसन मोनोफॉस्फेट से बनता है डी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी यानी कि ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट से बनता है डी ऑक्सी ग्वानोसाइन देन एनजाइम डी एन ए प्राइमेस ये शॉर्ट आर एन ए बनाता है एंड डीज शॉर्ट आर एन ए आर असेंशियल फॉर इनिशिएटिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू डी एन ए स्ट्रैंड न्यू डी एन ए स्ट्रैंड का बनना तभी स्टार्ट होगा अगर शॉर्ट आर एन ए अवेलेबल हो तो अब देखते हैं फ्लूडा का मैकेानिज्म ऑफ एक्शन फ्लूडा एंजाइम डी एन ए प्राइमेस राइबोन्यूक्लियोटाइडोडाक्टेस न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस डीएनए पॉलीमरेस को इनहिबिट करता है जिससे डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पाती फ्लूडा डीएनए की रिपेयर भी नहीं होने देता और इसके अलावा फ्लूडा खुद डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है जिससे डीएनए जो है वो नॉन फंक्शनल या फिर डिसफंक्शनल हो जाता है तो इस तरह फ्लूडा डीएनए की सिंथेसिस नहीं होने देता जिससे कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता और कैंसर सेल का प्रोलिफिकेशन नहीं होता अब देखते हैं इंडिकेशंस फ्लूडोरबिन इज इंडिकेटेड इन क्रॉनिक लिम्फैटिक लुकीमिया देन इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ नॉन हॉचकिन लिम्फोमा ये नॉन हॉचकिन लिम्फोमा में भी यूज़ करी जाती है अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एक बार ठीक हो चुका हो और उसके बाद ये दोबारा रियर हो जाए तो दोबारा रियर होने पर फ्लूडारबिन यूज़ करी जा सकती है देन एडवर्स इफेक्ट्स आर सप्रेशन यानी कि बोन सप्रेशन और फ्लूडारबिन के इंजेक्शन से हो सकता है एडवर्स uh, इफ़ेक्ट्स जैसे कि चिल्स फीवर माइल्जिया यानी कि मसल पेन अर्थालजिया और वॉमिटिंग इसके अलावा फ़्लूडरबिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करने की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्लूडारेबिन नाउ फोलेट एंड प्यूरिन एंटागोनिस्ट के बाद मेटाबोलाइट्स की नेक्स्ट कैटेगरी है पिरािडिन एंटागोनिस्ट नाव साइटोसिन थमीन और यूरासल पिरीमिडिन बेसिस हैं अब स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग फाइव फ्लोरोूरासल यहाँ पर दो ड्रग्स हैं फाइव फ्लोरो यूरासल एंड कैपेसिटाबिन पहले फाइव फ्लोरोसल की फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं नाउ फाइव फ्लोरो यूरासल एक प्रो ड्रग है अब आप इस स्कीमेटिक uh, डायग्राम को देखो ये फाइव फ्लोरो यूरासल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन कर रहा है नाउ एक बार फाइव फ्लोरो यूरासल जब सेल के अंदर पहुँच जाता है तो सेल के अंदर ये फ्लोरिनेटेड न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है ये दो तरह के फ्लोरीनेटेड न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस करता है एक साइड ये प्रोड्यूस करता है फ्लोरोडी ऑक्सी यूरोडीन मोनोफॉसफॉसफेट दैट इज एफ डी यू एम पी और दूसरी तरफ ये प्रोड्यूस करता है फ्लोरोडीन मोनोफॉसफेट दैट इज एफ यू एम पी अब आप यहाँ पर देखो ये जो फ्लोरोडी यूरोडीन मोनोफॉसफेट है ये एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेस के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है ये थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम के साथ कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाता है जिसकी वजह से डी ऑक्सी यूरोडीन मोनोफॉस्फेट डी ऑक्सी थाइमिडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो इस तरह यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड डी ऑक्सी का सिंथेसिस नहीं हो पाता इसके अलावा ये जो फ्लोरोडी ऑक्सी मोनोफॉस्फेट है ये एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेक्ट्राहाइड्रोफोलेट जो कि यहाँ पर एक कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है उसके साथ भी कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस बना देता है अब आप ये जानते हैं कि इस कोफैक्टर के बिना ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो सिंथेसाइज़ नहीं होगा डी मोनोफॉस्फेट को डी मोनोफॉस्फेट थाइमिडीन में कन्वर्ट करने के लिए थाइमिडीन थाइमिडाइलेट सिंथेस एंजाइम और एन फाइव एन टेन मिथिलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट को फैक्टर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और ये न्यूक्लियोटाइड फ्लोरिनेटेड न्यूक्लियोटाइड दैट इज फ्लोरोडीऑक्सी यूरोडीन मोनोफॉस्फेट ये थाइमिडाइलेट सिंथेस और एन फाइव एन टेन मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट दोनों के साथ कोवलेंट कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है और इसी वजह से ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं होने देता जिससे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता और डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता इसके अलावा फ्लोरोडीऑक्सी यूरोडीन फॉस्फोराइलेट होता है और जिससे बनता है आ, फ्लोरोडी ऑक्सी यूरोडीन ये एक फ्लोरिनेटेड न्यूक्लियोटाइड है और ये फ्लोरिनेटेड न्यूक्लियोटाइड डी ऑक्सी यूरोडीन की जगह खुद डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और डीएनए के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है दूसरी ओर अभी हमने डिस्कस किया था कि फाइव फ्लोरो यूरासल जो है वो फ्लोरो यूरोडीन मोनोफॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है फ्लोरो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का भी फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे बनता है फ्लोरो यूरिडिन ट्राईफॉसफेट ना यह फ्लोरो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट नॉर्मल यूरिडिन ट्राईफॉसफेट न्यूक्लियोटाइड की जगह आर एन ए में इनकॉर्पोरेट होता है और आर एन ए का जो स्ट्रक्चर है उसे डैमेज कर देता है तो इस तरह फाइव फ्लोरोल डीएनए का सेंथस रोकते हैं डीएनए का सेंथस रुकने की वजह से डीएनए uh, का रेप्लीकेशन नहीं होता कैंसर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन जो है वो uh, कम हो जाता है वो रुक जाता है नाउ फाइव फ्लोरो यूरासल के जग के साथ अगर ल्यूकोवरिन दिया जाए यानी कि अगर फाइव फ्लोरोूरासल के साथ फोलिनिक एसिड दिया जाए तो फाइव फ्लोरोूरासल का एंटी कैंसर इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है तो ये है मेकेज़म ऑफ एक्शन ऑफ फाइव फ्लोरोसल Now, oral absorption of 5-fluorouracil uh, is unreliable, so 5-fluorouracil is primarily given by IV infusion. A are indications of 5-fluorouracil. Uh, 5-fluorouracil uh, is commonly used for colon, rectum, stomach, pancreas, liver, urinary bladder, and head and neck cancer. Iske alawa, वन परसेंट टॉपिकल सोल्यूशन ऑफ़ फाइव फ्लोरोूरासल इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा एंड ऑल्सो इन एक्टेनिक्राटाइटिस तो ये है इंडिकेशन ऑफ फाइव फ्लोरो यूरोसल आप समझते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ फाइव फ्लोरोूरासल इट माइलो सप्रेशन यानी कि बोन सप्रेशन होगा देन म्यूकोसिटिस दैट इज़ इन्फ्लोमेशन ऑफ म्यूकोसा म्यूकोसा पर सूजन आ सकती है डायरिया हो सकता है एंड वॉमिटिंग होता है पेरीफ्रल न्यूरोपैथी भी हो सकती है इसके अलावा फाइव फ्लोर यूरास से हाथ की हथोलियों हथेलियों पर और पाव के पंजों पर सूजन यानी कि रेडनेस आ सकती है जिसको कहते हैं हैंड फुट सिंड्रोम तो यह है टॉक्सिस uh,

कैपेसिटाबिन कैपेसिटाबिन फाइव फ्लोरोसल की प्रोड्रग है ना फाइव फ्लोरो यूरासल को आई वी इन्फ्यूजन से दिया जाता है कैपेसिटाबिन फाइव फाइव फ्लोर यूरासल की ओरली एक्टिव प्रोड्रग है यानी कि कैपेसिटाबिन को हम ओरली यूज करते हैं इंडिकेशन्स ऑफ कैपेसिटाबिन मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज द सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर टॉक्सोसिटी कैपेसिटाबिन से भी बोन मैरोिप्रेशन होता है बोन मैरोिप्रेशन भी हो सकता है और म्यूकोसिटिस भी हो सकता है बट फाइफोरो यूरासल के कंपेरिजन में ये दोनों टॉक्सोसिटीज कम होती हैं इसके अलावा कैपेसिटामिन uh, से भी हैंड फुट सिंड्रोम और डायरिया हो जाता है तो दिस इज द फार्माकोलॉजी ऑफ फाइव फ्लो यूरासल एंड नाउ नेक्स्ट पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट है साइटारेबिन दैट इज साइटोसिन अराबिनोसाइट सेल के अंदर पहुँचने के बाद साइटोसन अराबिनोसाइट फॉसफोरे फॉस्फोराइलेट होता है और फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये साइटॉसिन अरेबिनोसाइट ट्राई में कन्वर्ट हो जाता है टोसिन एराबिनोसाइड ट्राई फॉसफेट डीएनए एन ए को इनहिबिट करता है जिससे डीएनए का सेंतोस नहीं होता डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता और सेल जो है उनका डिवीजन रुक जाता है इसके अलावा ये फॉस्फोराइलेटेड साइटोसिन एराबिनोसाइड ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और डीएनए में एबनॉर्मैलिटी ला देता है

और लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में साइटारेबिन को यूज़ करते हैं साइटारेबिन की मेजर टॉक्सिसिटी है बोन मारो सप्रेशन जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, एनीमिया हो सकता है और उसके अलावा म्यूकोसिटिस और डायरिया भी साइटारेबिन से हो जाता है सो दिस इज़ द फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स नाउ प्लीज़ नोट ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अकैडमिक इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है अगर आपको किसी भी ड्रग को यहाँ पर यहाँ पर uh, समझाई हुई या फिर यहाँ पर डिस्कस करी गई किसी भी ड्रग को अगर आपको यूज़ करना है या फिर आपको कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है तो यू मस्ट कंसल्ट द फिजिशियन इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो